बड़े बड़े लोगों की यानी कि दौलतमंद लोगों की जो बीमारियां होती हैं वो एक अलग ही तरह की बीमारी होती है। अगर हम आम आदमी की बीमारियों की बात करें तो आम आदमी मलेरिया डेंगू इन सब से ग्रसित होता है, लेकिन जो दौलतमंद इंसान होते हैं उनकी बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जो आम लोगों ने सुने तक नहीं होते। और अब अनन्या पांडे, बॉलीवुड की एक्ट्रेस चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, ये एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसमें इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ये बीमारी है इंपोस्टर सिंड्रोम। अब इससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो है इस बीमारी का जिक्र भी नहीं सुना होगा। खैर, अनन्या पांडे जो है इस बीमारी से लंबे समय से जूझ रही हैं। इस बीमारी के लक्षण जो हैं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि दिमागी बीमारी है, शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो इस बीमारी से ग्रसित होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है बट मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि जिसके साथ ये चीज़ें चल रही होती हैं वो खुद पे ही शक कर लेता है, उसे लगता है मैं ये काम कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, वो कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो बड़े बड़े लक्ष्य जो है वो तय कर लेता है लेकिन जब लक्ष्य मिल नहीं पाता तो बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। इस तरह के चीज़ों से जूझ रहा होता है वो इंसान जो इस बीमारी से ग्रसित होता है। अब आप सब कहेंगे कि ये तो आम इंसान की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, खैर ये अमीरों की बीमारी है। तो अब अनन्या पांडे जो हैं इस बीमारी से जूझ रही हैं, उन्होंने जब इस बात का खुलासा किया तो अब लोगों को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए थी पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि बड़े बड़े एक्टर जो बहुत पैसे होते हैं, पैसे वाले होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता तो उनके पास एक नई बीमारी होती है और इस तरह की बीमारी का नाम लेके वो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। ये बीमारी सिर्फ इन्हीं लोगों को होती है, आम लोगों में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो दरअसल इनका ये पीआर काम है, क्योंकि ये अब क्या है कि इस तरह की बीमारी बताएंगे, मार्केट में इस तरह की अफवाह फैलाएंगे कि ये बीमारी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इससे क्या है, मनोचिकित्सक एक नया पैदा हो जाएगा और उससे उन मनोचिकित्सक की जेबें भरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इनका पीआर स्टंट होता है, वरना कोई भी एक्ट्रेस और उसमें भी अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस वो बिना पीआर के कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो अनन्या पांडे के फैंस जो हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो सिंड्रोम है ये कब इसकी पहचान हुई थी, 1970 के दशक में इस सिंड्रोम की पहचान की गई थी। और हालांकि जो आम इंसान है उसके लिए ये सिंड्रोम पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये पैसे वाले हैं और इनको ज़रा सा भी लगता है कि हम में कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये सबसे पहले परामर्श लेते हैं, तो इनकी इन बीमारियों की भी पहचान हो जाती है। खैर, आम लोगों की बीमारियां अलग होती हैं, बड़े लोगों की बीमारियां अलग होती हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या इससे पहले आपने इस बीमारी का नाम सुना था।